नमस्कार दोस्तों, बिंदास बातें में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। आज की चर्चा, तो मेरे दिमाग में कई बार बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं। ऑफ कोर्स कई लोग ये भी कहते हैं कि ये क्या हर रोज़ हर बार एक नया टॉपिक कहाँ से निकाल लेती हो। लेकिन देखिए, मेरे टॉपिक सारे बड़ी आम जिंदगी से रिलेटेड होते हैं, तो कुछ ना कुछ तो आपकी ज़िंदगी में हर रोज़ होता ही है ना, इसलिए मेरे टॉपिक्स भी आते रहते हैं और कुछ ना कुछ बनता रहता है उनसे। तो आज का टॉपिक एक बड़ा बड़ा सा मुद्दा, जिसको मैं छोटा करने की कोशिश करूँगी, बड़े बड़े मुद्दों को, एक्चुअली एक नहीं कई सारे। सो, कहने का मतलब है कि जब हम लोग बैठते हैं और कभी डिस्कशंस होते हैं, तो कभी सुना होगा आपने, ऐसी बातें होती हैं कि भाई पता नहीं इंडिया इतना देश गंदा क्यों, आप बाहर जाओ तो सब कितना साफ़ रहता है। हम ही देशवासियों में कुछ प्रॉब्लम है कि हम लोग अपने देश को साफ़ नहीं रख सकते। बड़ा ही ख़राब एटीट्यूड है लोगों का, होता है ना सब। यही नहीं, फिर ये भी बात होगी कि भाई औरतें, इंडिया में औरतों की बड़ी भी बिल्कुल इज्जत नहीं है, ये बड़ा गलत है, चेंज होना चाहिए इसको। फिर और बड़े मुद्दे पे जाएं तो होगा कि भाई ये जो ग्लोबल वार्मिंग चल रही है ना, इसकी वजह से एक दिन ऐसा आएगा कि जो पानी है ना पूरे अर्थ पोर्शन को घेर लेगा या ख़त्म कर देगा। ठीक है, ऐसी बातें हम करते हैं और इस पर हम डिस्कशन तो घर तो कर सकते हैं, लेकिन जब सॉल्यूशंस की बात आती है तो लोग हमेशा दिमाग में ये सोचते हैं कि अरे यार इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, मेरे कुछ करने न करने से क्या फ़र्क पड़ने वाला है। तो ये डिस्कशन इन्हीं मामलों को लेकर है, इन मामलों को या किसी भी बड़ी बात को लेकर, कि कैसे हम उनमें चेंजेस ला सकते हैं अपनी छोटी छोटी आदतों से या छोटे छोटे एक्शन से। तो इन द बिगर पिक्चर दीज स्मॉल थिंग्स मैटर अ लॉट, एंड इन द बिगर पिक्चर दिस इज़ हाउ वी कैन मेक अ डिफरेंस। तो एग्जाम्पल के तौर पे एक मुद्दा ले लें कि भाई हमारा देश इतना गंदा क्यों रहता है, हमारा देश यानी हिंदुस्तान गंदा इसलिए रहता है क्योंकि हमने उसे गंदा किया हुआ है। एटीट्यूड क्या होता है कि हम ये सोचते हैं कि अरे बगल वाला कचरा डाल रहा है तो उसको हम रोक नहीं पाते, वो तो एक बात है, पर उसी के बगल में हमें लगता है अरे कचरा तो पड़ा ही है, एक और डाल देंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा। ये जो एटीट्यूड है ये बदलना है। अगर हम सब ऐसा सोच लें कि भाई कचरा जो है हम अपने साथ ले जाएंगे घर, क्योंकि हिंदुस्तान में एक प्रॉब्लम है कि हिंदुस्तान में जो कचरा डिस्पोज करने का सिस्टम है वो घरों में ज़्यादा है राधर दैन सड़कों पे, इसलिए सड़कों पे कचरा ज़्यादा हो जाता है और इसलिए भी क्या, और एटीट्यूड भी वैसा ही है। तो अगर हम ये रखें कि भाई जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं, बाहर कुछ खाते पीते हैं या कुछ खरीदते हैं, चीज़ें जिसमें पैकेट्स हों, जैसे चिप्स का पैकेट खाया तो चिप्स का पैकेट खा के ऐसे हम फेंक देते हैं, कार से हाथ निकालेंगे जुर्र करके फेंक देंगे, ये ना करके अगर हम एक पैकेट साथ में रखें और उसमें कचरा इकट्ठा करता रहें और अपने घर ले जाएं और अपने बिन में जाके डालें, क्योंकि उस बिन को तो लेने नेक्स्ट कचरे वाला आएगा जो सोसाइटी का सिस्टम है, और जब वो आएगा तो फिर कचरा डिस्पोज भी सही जगह पर होगा, तो फिर वो सही जगह चला जाएगा। और हाँ ठीक है, ये एक्शन जो आपकी तरफ से है बहुत ही छोटा एक्शन है, लेकिन वही बात है ना कि अगर हर आदमी ये एक्शन करेगा तो देश साफ हो जाएगा ना। एटलीस्ट अगर चलिए साफ नहीं होगा तो और गंदा तो नहीं होगा, एटलीस्ट जो आपका पोर्शन है वो तो आपने संभाल लिया ना। और यही तो करना है, हम सबको अपना अपना पोर्शन संभाल लेना है, जो एक बार संभाल लेंगे तो पूरा देश ही संभाल जाएगा। यहाँ तो ट्रेनों बसों में सब जगह लिखा रहता है कि अपना कचरा जो है आप अपने साथ लेके जाएं। तो अगर आप कुछ फेंकने की, आप मतलब आपके दिमाग में ही नहीं आएगा कि फेंकें, आप उसको पर्स में ही डाल लोगे कि ठीक है भैया मैंने च्युइंगम खाई है, इसका ये छोटा सा टुकड़ा है कागज़ का, इसको हम अपने पर्स में डाल लेते हैं, ख़त्म, घर लेके जाएंगे या कहीं किसी, जब कोई बिन दिखेगा तो हम उसमें फेंक देंगे। क्योंकि बिन्स को डिस्पोज ठीक से किया जाता है, क्योंकि उसका एक सिस्टम और प्रोसेस होता है, ये नहीं होता कि बिन को निकाला कचरा और फिर दूसरी सड़क पर जाके डाल दिया। तो हो गई ना छोटी छोटी सी, छोटे छोटे एक्शन से बड़ा मसला हल हो सकता है ना, यही है। तो आज का टॉपिक ही इस बारे में है कि कैसे हम अपनी छोटी 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 आदतों से, छोटी छोटी चीज़ों से बिगर पिक्चर में चेंज ला सकते हैं। तो अब ये बात करें कि औरतों की, कि हम औरतों को कहते हैं कि भाई हिंदुस्तान में औरतों की इज्जत नहीं है, ठीक है कुछ हद तक मानूंगी इस बात को कि इज्जत नहीं है, ज़्यादा सेफ नहीं है उतना औरतें हिंदुस्तान में, रात में ट्रैवलिंग करना ये वो सब है प्रॉब्लम। लेकिन अब इसमें आप कैसे चेंज ला सकते हो, भाई ओवरनाइट तो कोई चीज़ चेंज होनी नहीं है,
मैंने अपने वुमेन एम्पावरमेंट की वीडियो पे भी बोला था कि अगर हम अपने घरों को सुधार लें, जो अगर हमारे घरों में ऐसी कोई चीज़ हो रही है जिसमें हम कह सकते हैं कि औरतों की इज्जत नहीं है, तो हम अगर उसको सुधार लेंगे तो बिगर पिक्चर अपने आप सुधर जाएगी, तो पूरा समाज ही सुधर जाएगा। जो अगर हम आज अपने बच्चों को, यानी लड़कों को या लड़कियों को, या लड़कों को खासकर, औरतों की बात हो रही है तो लड़कों को खासकर, ये सिखा सकें कि भाई कैसे आपको औरतों की इज्जत करनी चाहिए या क्या उचित है और क्या अनुचित है, तो वो अपने लड़कों को पास करेंगे, लड़के उनके, उनके लड़कों को पास करेंगे और देखते देखते समाज सुधर जाएगा ना। पर फिर जब बाहर कोई लड़की निकलेगी तो दिमाग में फितूर नहीं आएगा किसी के, और वो ये नहीं महसूस करेगी कि मैं सेफ़ नहीं हूँ, कि मैं इस वक्त पे निकली हूँ तो मुझे डर लग रहा है। तो बन गया ना समाज, सही हो गया ना समाज। तो यही बात, तो हमने रिलेशनशिप ऐसे ही हम औरतों को एम्पावर कर सकते हैं कि अपने घर में छोटे छोटे सुधार ले आए, अपने लड़कों को संभाल लें, अपने पतियों को संभाल लें, क्योंकि अपने ससुरों को संभाल लें, अपने पिताओं को संभाल लें, है ना, तो लड़कियां अपने आप सेफ हो जाएंगी। क्योंकि हमारे यहाँ का ये जो एटीट्यूड है ना कि हमारी बहन तो बहन, दूसरे की बहन तो बहन नहीं, या दूसरे की बहन तो माल, हमारी माँ माँ, दूसरे की माँ औरत, अपने घर में अगर हम सही वैल्यूज़ और सही चीज़ें डालेंगे बच्चों में, तो वो समाज में बाहर अपने आप अच्छी चीज़ें आ जाएंगी। और सिमिलरली अगर हम बाहर सेट एन एग्जाम्पल फॉर योर किड्स। कई बार क्या होता है कि हम कुछ और करते हैं और बच्चों से उम्मीद कुछ और रखते हैं, वो बहुत गलत है। कि हम ये कहें कि भाई बेटा हमेशा सच बोला करो, लेकिन जब हमारी बारी आती है तो हम झूठ पे झूठ पेले रहते हैं, हर वक्त झूठ बोलते हैं, तो बच्चे को लगता है यार ये क्या है, ये तो दोगुली बात हो गई कि हमें कहते हैं सच बोलो और खुद तो देखो हर वक्त झूठ ही बोलते रहते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऑलवेज सेट एन एग्जाम्पल। जो आप जिस चीज़ पे बिलीव करते हो वही चीज़ करो, या जो चीज़ आप प्रीच करना चाहते हो, प्रैक्टिस ऑलवेज व्हाट यू प्रीच। ऐसा नहीं कि बोलने के लिए तो कुछ, करने के लिए कुछ, वो तो गलत है ना। तो फिर जो वैल्यूज़ आप अपने बच्चों में डालना चाहते हो, उन वैल्यूज़ को आप भी फॉलो करें। फिर कोरोना के होते हुए ये चीज़ बहुत देखने में आ रही है कि लोगों के घरों में डिप्रेशन, एंग्जाइटी, लोनलीनेस, तरह तरह की मेंटल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा लोग फेस कर रहे हैं, क्योंकि हम सब घरों में बंद हैं अपने अपने। तो जो आपके जान पहचान वाले हैं, जैसे कि अब सेफ फॉर इंस्टेंस ऑस्ट्रेलिया में हम कहते हैं कि यहाँ तो ऐसी कोरोना की टचवुड उतनी कोई प्रॉब्लम है नहीं, सब नॉर्मल ही चल रहा है, हम लोग की गैदरिंग्स भी चल रही हैं, सब ठीक ही ठाक है। पर फिर भी क्योंकि आइसोलेशन है, आइसोलेशन इन द सेंस उतना ज़्यादा गैदरिंग्स या उतने ज़्यादा आप अपने फैमिली से नहीं मिल पा रहे हो, तो जिन लोगों के पास ऐसा प्रॉब्लम है वो खास करके ये ध्यान रखें कि अपने फैमिली मेम्बर्स को ऑफ एंड ऑन फ़ोन कर लें, उनसे बात कर लें, उनके हालचाल ले लें। क्योंकि कई बार क्या होता है कि अकेले जो लोग हैं, जिनके पास अभी जॉब जाने को नहीं है, घर से ही काम कर रहे हैं, सारे स्ट्रेन, पहले तो क्या होता था, आप बाहर जाते हो, लोगों से मिलते जुलते हो, बात करते हो, तो चीज़ें सुधर जाती हैं, थोड़ा चीज़ें सुलझ भी जाती हैं। लेकिन आज अब तो ऐसा है नहीं, अब द न्यू नॉर्म इज़ कि आप घर से ही काम कर रहे हो, और ये भी नहीं पता है कि कब तक ये माहौल चलेगा, कोई आइडिया नहीं है। ये साल तो डेफिनेटली ऐसा ही होने वाला है, बट उसके आगे भी क्या होगा कह नहीं सकते। तो फिर क्यों ना हम अपना छोटा छोटा पार्ट करें। तो जैसे अगर मुझे पता है कि मेरे आसपास कोई ऐसा है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहती हूँ, मेरे बगल में मेरी एक फ्रेंड रहती है, वो थोड़ा घबरा जल्दी जाती है, तो वो घबरा जाती, पर उसके लिए मैं ही हूँ जो फटाक से वो फ़ोन करेगी, अप्रोच करेगी मुझे, और मैं हमेशा खड़ी रहती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मुझे उसकी मदद करनी है। तो ऐसे ही आपके आसपास जो लोग हैं उनके प्रॉब्लम्स की जानकारी अगर आपको है ज़रा भी, तो एक दूसरे को ऐसे मदद कर सकते हैं कि जैसे ठीक है वो अपने फैमिली के पास नहीं जा सकते, वो अपने माता पिता या भाई बहनों से बहुत दूर हैं, लेकिन जिनके पास हैं या जो आसपास हैं उनके, वो तो उनकी मदद कर ही सकते हैं ना। तो अपना पार्ट हम ऐसे अदा कर सकते हैं कि उनको सपोर्ट दे दें जो हमारे आसपास हैं और जो इन प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। तो फिर ऑन द होल हम फिर सपोर्ट करते हैं ना कम्युनिटी को, अपने आप, जबकि हमने बहुत कोई मेजर स्टेप नहीं लिया। ऐसा नहीं है कि हमने जाके किसी सोशल वर्क में जाके एनरोल हो गए कि भयंकर कोई काम करने लगे कि मेंटल हेल्थ पे डिफरेंस लाने के लिए, नहीं, छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी रोज़मर्रा की चीज़ें ही हैं जो हमें ठीक करनी है। फिर जैसे घरों में रिलेशनशिप्स होती हैं, राइट,
आप सोचते हो कि भाई हम उनसे बात नहीं कर रहे हैं, हम उनसे बात नहीं कर रहे, इनका उनका फैमिली में ग्रजेस होते हैं, लोगों में लड़ाइयाँ चल रही होती हैं, वर्षों महीनों लोग बात नहीं करते एक दूसरे से, तो उसमें छोटा चेंज ये है कि ठीक है, आप दूसरे को क्यों वेट करो, आप खुद फ़ोन उठा के बात कर लो ना, एक कदम आप आगे पहले बढ़ा लो ना, तो वो आपके छोटे एक्शन से हो सकता है आपका कुटुंब वापस से जुड़ जाए, जो आपकी फैमिली है, नॉट द इमीडिएट फैमिली, द बिगर फैमिली, वो शायद जुड़ जाए, है ना। तो ये चीज़ें छोटी छोटी हैं लेकिन बहुत मायने रखती हैं जीवन में। कहते नहीं हैं कि बूंद बूंद से गढ़ भरता भरता है, नदियों से मिल सिंधु अगम, सो बूंद बूंद से ही गढ़ा भरता है, और नदियाँ जो हैं सब तरफ से आती हैं और समुद्र बनाती हैं जो इतना विशाल होता है। एग्जैक्टली द सेम थिंग, कि आपकी छोटी छोटी चीज़ों से दुनिया में बिगर पिक्चर में बहुत फ़र्क पड़ सकता है। वो गाना है ना कि वो जो था खाब सा वो रहे के जाने दे, ये जो है कम से कम ये रहे के जाने दे, आदतन ये सोचेंगे होता यूँ तो क्या होता, मगर जाने दे, वो जो था खाब सा वो रहे के जाने दे। तो नहीं, नहीं जाने दें। जो छोटी छोटी आदतें हैं, जो छोटे छोटे कदम हैं, वो हम लें और अब बेहतर सोसाइटी, बेहतर समाज की आयोजना करें या बेहतर समाज की बिल्डिंग शुरू कर दें अभी से। थोड़े चेंजेस आए हैं, थोड़े चेंजेस और चाहिए, है ना। होपफुली इस वीडियो से कुछ समझ आया होगा, कुछ ज्ञान मिला होगा लोगों को और कुछ इम्प्रूवमेंट आए, शायद थोड़ा सा भी चेंज आएगा तो काफ़ी हो जाएगा। वही थोड़ा चेंज जो है ना, वही थोड़े थोड़े करके बहुत बड़ा हो जाएगा। और आने वाले सालों में जब हम बात करेंगे तो ये कहेंगे कि जैसे कोरोना की वजह से कैसे एनवायरनमेंट में चेंज आ गया, तो अपने एटीट्यूड की वजह से हम भी चेंज ला पाएंगे। और हम कहेंगे कि जब 2019 में दुनिया इस तरफ खड़ी थी, या 2019 में देश इतना गंदा था, लेकिन 2021 में अभी तो बस वारे न्यारे एकदम गजब हो गया, लोगों में एकदम बदलाव आ गया, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, सब अपना अपना पोर्शन, अपना अपना शेयर दे रहे हैं, कर रहे हैं समाज के लिए। बस वही तो चाहिए, जो आपका थोड़ा सा साथ है, जो आपका थोड़ा सा सहयोग है, वही चाहिए, बाकी सब तो ठीक ही है। और जो अगर ये चेंज हम ला पाए तो समाज सही हो जाएगा, है ना, कितना सटीक हो जाएगा, फिर हमें इतना सोचना नहीं पड़ेगा हर रोज़। चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे अगले हफ्ते किसी और बात, किसी और चर्चा के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए और आप देखते रहिए बिंदास बातें।